हेलो फ्रेंड, जय भोलेनाथ की। हैप्पी महाशिवरात्रि, और आप सभी को शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान भोले जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। और दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज है शिवरात्रि, तो हमको भोले बाबा की बारात में शामिल होना है। माँ गौरी और भोले बाबा के विवाह में हमको जाना है, तो इसीलिए हम सबसे पहले अपने रूम पर ही पूजा कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ से आने में हमको टाइम हो जाएगा। तो देखिए, पूजा हमने कर ली है, हमने और मीठी ने, और अब हम मीठी को तैयार कर रहे हैं मंदिर जाने के लिए। और अभी सुबह का ही टाइम है, हम सुबह जा रहे हैं। और देखिए, ये लेके जा रहे हैं हम, ये पैकेट के अंदर है धतूरा, उसी के फल हैं। धतूरा के फल, फूल, पत्ते जो हों, देखिए निकाल के दिखा दें। तो देखिए, ये लेके जा रहे हैं हम, यही भोले बाबा को अर्पित करेंगे। ये पांच हैं, पांच क्यों, सात हैं देखिए। और इनको इसी पैकेट में भर लेंगे, इसी में, और लेके चले जाएंगे। जय भोलेनाथ की दोस्तों। तो घर पे पूजा हमने कर ली है, और अब हम जा रहे हैं मंदिर। तो देखिए, हम मंदिर में ये धतूरा के फल और यही लेकर के जा रहे हैं, बाकी का प्रसाद हम वहीं जा कर के ले लेंगे। तो फिर मंदिर पहुंचने के बाद आप लोगों से मिलते हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो चलिए मंदिर चलते हैं। और ये देखिए, रास्ते पे हो रहा है सब, और हम आप लोगों को इसमें दिखाते, जो गाना बज रहा है, जिस गाने पे डांस हो रहा है, ये सब आप लोगों को दिखाते, बट कॉपीराइट क्लेम की वजह से हमने आप लोगों को कुछ नहीं दिखाया, क्योंकि हमने पहले वीडियो अपलोड करके देखा तो उसमें कॉपीराइट क्लेम आ गया, इस वजह से हमको दोबारा करना पड़ा है। तो आप लोग सिर्फ देखते जाइए। और देखिए, ये शिव जी की बारात है। देखिए शिव जी कैसे डांस कर रहे हैं, और उनके जो भूत गण हैं वो, आप लोग देखते जाइए। क्या करें, आप लोगों को पूरा दिखाते सुनाते, पर कॉपीराइट क्लेम की वजह से हम कुछ नहीं आप लोगों को सुना सकते। तो देखिए दोस्तों, हम आ गए हैं मंदिर, और ये जो पहले आप लोगों ने वीडियो देखा, ये रास्ता का वीडियो है, हमने रास्ते पे बनाया है। और ये बाहर का नज़ारा है, यहाँ तो कम भीड़ है, लेकिन जहाँ ये सब हो रहा है शिव जी की बारात, वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो आप लोग देखते रहिएगा, वीडियो को पूरा देखना फुल वॉच करके। तो देखिए, ये हमने प्रसाद ले लिया है, और नारियल, रेवड़ी, अगरबत्ती और जो धतूरा के फल लेकर आए थे वही सब है। और आज तो नारियल बहुत ही, मतलब सभी लोग ले रहे थे। और ये मीठी हमारी चल दिए आगे आगे पन्नी लेकर। और ये है मंदिर भोले बाबा का। तो देखिए, हम आ गए हैं भोले बाबा के मंदिर में पूजा करने के लिए, और यहाँ पर भी बहुत ही भीड़ है। और हम लोग कितने प्रेम से, भाव से लेकर आते हैं प्रसाद, और यहाँ पर, मतलब जो पुजारी लोग होते हैं वो देखिए कितना कचरा समझकर फेंकते जाते हैं। क्या करें, वो भी उनकी मजबूरी है, नहीं तो इतना इकट्ठा हो जाएगा प्रसाद की क्या करेंगे। तो देखिए, ये झाड़ू से सब निकालते जाते हैं, और 10 मिनट बाद फिर इतना ही हो जाता है। तो ये लोग लगे हुए हैं सेवा में। और देखिए, साफ हो गया मंदिर, तो फिर पूजा के लिए लाइन लग गई। और भोले बाबा की पूजा हमने कर ली है, और ये जा रहे माँ के मंदिर। और देखिए, आज ये खुड़ियार माता ने और हमने बिल्कुल एक कलर की साड़ी पहन रखी है, और माता की साड़ी और हमारी साड़ी में थोड़ा सा फ़र्क है डिजाइन का, बाकी कलर एक ही है और डिजाइन भी एक ही जैसे है, सिर्फ उसमें गोल्डन कलर है और हमारे में रेड है। तो देखिए, ये है बाहर का नज़ारा, और आप लोग देखते जाइए। अब हम रूम पे जा रहे हैं, और ये रास्ते का ही वीडियो है, तो आप लोग देखते रहिए।
और बहुत भीड़ है, इतनी ज़्यादा भीड़ है कि हम क्या बताएं आप लोगों को। आप लोग खुद देख लीजिए कितनी भीड़ है, कितने भक्त आए हुए हैं। और एक भी जगह नहीं खाली है बैठने तक के लिए, बहुत भीड़ है। और ये गौरा और शिव जी का डांस देखिए, ये बहुत ही अच्छे गाने पर डांस कर रहे हैं। आप लोगों को म्यूजिक हम नहीं सुना पा रहे हैं तो प्लीज़ हमें माफ़ कर देना, क्योंकि यदि हम म्यूजिक इसमें आप लोगों को सुनाएंगे तो फिर वीडियो ही हमको डिलीट करना पड़ेगा इसलिए। और ये भी अब हम घर की तरफ जा रहे हैं, आप लोग देखते जाइए और आप लोगों को हम दिखाते हैं, आप लोग देखते रहिए। और शिव जी की बारात है तो बस हम रूम में रोज रोज वाले तो ये हैं सब होता नहीं और है, तो आप लोग भी देख लीजिए शिव आप जी लोग की बारात में इंजॉय शामिल हो कीजिए। लीजिए। तो देखिए अब हम आ गए मंदिर से घर, देखिए और आज कितने इतनी लोग ज्यादा मगन भीड़ थी, हैं इतनी भगवान ज्यादा भीड़ भोले थी जी की कि क्या बारात में। बताएं। और वहाँ एक लोगों का मोबाइल खो गया था, इस वजह से हमने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाया है क्योंकि इतनी भीड़ है। और मोबाइल उनका खोया नहीं था कि मतलब गिर गया हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। पन्नी से किसी ने निकाल लिया, किसी ने पन्नी में डालते हुए देखा था मोबाइल, और वो पूजा करने में लग गई और किसी ने पन्नी से मोबाइल खींच लिया, उनका निकाल लिया, तो उनका मोबाइल खो गया। तो मतलब वहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए, भीड़ तो थी ही, और सभी का मतलब का पूछने लगे मोबाइल है मोबाइल। तो फिर हमने वीडियो नहीं बनाया और ज़्यादा कुछ नहीं बनाया, और आ गए हैं रूम पे। तो अब जा रहे प्रसाद खाने, तो आइए आप लोग भी प्रसाद खा लीजिए। और देखिए प्रसाद में यही है, मीठी खाने में लगी है, ये देखिए 5 फल हैं नारियल को लगा करके, केला अंगूर बेर अनार और नारियल। तो आइए आप लोग प्रसाद खा जाइए। और अब हम प्रसाद खाने के बाद अब हम करेंगे खाना की तैयारी और खाना बनाएंगे। हम पूरा दिन उपवास नहीं है, पूरा दिन का नहीं किए हैं क्योंकि हमको नहीं करना है, दवा भी चलती है, इसलिए हमने सिर्फ आधे दिन का ही किया है। और मंदिर हम गए थे तो वहाँ हमको काफ़ी टाइम लग गया है, 12:30 बज गया है, तो खाना हमारा बन तो गया था सुबह, सब्जी और पराठे हमने बना दिए थे, इनके पापा को ड्यूटी जाना था इसलिए हमने सब्जी पराठे बना दिए थे। तो अब हम देखिए ये दिखा रही है आप लोगों को बेर, और इतनी गर्मी है कि पसीना से इसके बाल पूरे भींग गए हैं। तो अब ज़्यादा बातें नहीं करते हैं क्योंकि अब हमको भूख लगी है और दवा भी खानी है, तो जो खाना बना कर के गए थे वही खा लेते हैं और फिर मिलेंगे आप लोगों से। तो दोस्तों आज का ब्लॉग मेरा कैसा लगा हमें कमेंट करके बताना, और फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भोलेनाथ की।